दरवाजा बंद कर
जैसे अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और हम सब लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो ये पहला ऐसा त्यौहार शायद होगा कि जो खुल के सब लोग मनाएंगे। मैं फिर भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पटाखे ना फोड़ें, बस सिर्फ दिए जलाएं और खुशियां बांटें। ये त्यौहार का मतलब भी यही है, अपने ज़िंदगी में रोशनी लाना। तो मैं वही चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी में सबके रोशनी हो जाए, और जैसे जो कोरोना की वजह से, जितने भी लॉकडाउन की वजह से जितने भी लोग प्रॉब्लम्स में आए थे, अब वो धीरे धीरे अपने पैरों पे वापस खड़े हो रहे हैं। लिटरली ये मीनिंग हो रहा है कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो ये मेरा तरीका है खुशियां मनाने का। मैं एक्चुअली पूरा मराठी गेटअप में आई हूँ। ये नववारी साड़ी है, मयूर पंखी, ये प्रॉपर पूरा मयूर पंखी है। उसके बाद प्रॉपर ज्वेलरी है मराठी, और बैंगल्स है ग्रीन कलर के, जो टिपिकल मराठी कलर का जो ज्वेलरी होता है वो है, नथ है, टीका है, और पीछे मेरे बाल में भी, मेरे बालों में भी पूरा जूड़ा वगैरह लगाया हुआ है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और पूरा जो सेटअप बना रही हूँ वो पूरा बहुत सारे दियों के साथ बना रही हूँ। बस मेरा, बिकॉज़ मेरा जो कहना है सबसे यही है कि दिए जलाइए, रोशनी फैलाइए, पटाखे मत जलाइए। उससे दो चीज़ें होती, एक तो पोल्यूशन तो होता ही है, और साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं, बिकॉज इतना बड़ा धमाका, हम डर के मारे भाग जाते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ भागें क्या करें। सो मिठाई खाइए, खूब मिठाई खाइए, खूब फरसान खाइए। जैसे हमारे यहाँ घर पे बनता है, चूड़ा बनता है, मिठाई बनती है, लड्डू बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खाइए, खुशियाँ बांटिए और दिवाली का त्यौहार मनाइए। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट त्यौहार अच्छे से मनाइए, तो हैप्पी दिवाली। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, तो अभी फिलहाल क्या कंटेंट आप पुट अप कर रही हैं और क्या स्टेटस है आपके प्रोफाइल का? दिवाली के लिए मैं कंदिल की खरीदी करने गई थी, तो बस वो कंदिल गली में जाकर के जो मैंने शूट किया था वो एक्चुअली अभी एडिट चल रहा है, वो एडिट करके मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। उसके बाद ये कंटेंट जाएगा जो दिवाली का है। सो डेफिनेटली आई एम एक्टिव, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस जो हैं वो सारे खुश रहें, मज़ा आए उनको भी देख करके कि कुछ अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल दो वेब सीरीज कर रही हूँ, उसमें से एक की शूटिंग हो चुकी है और एक की शूटिंग होने वाली है। तो एक जो चल रही थी मेरी शूटिंग कंप्लीट हो गई, आगे दूसरे जो लोग हैं उनकी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट शूट ऑल्सो। थैंक यू। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, मतलब 1 लाख करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, मेरा भी डबल वैक्सीन हो चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे जिस नंबर से हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली, कोरोना एक मामूली सर्दी खांसी की तरह बन के रह जाएगा। सो और सारी चीज़ें, सब कुछ नॉर्मल हो रही हैं, सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, त्यौहार मनाना शुरू हो रहा है, तो ये दिवाली का एक पहला त्यौहार होगा जहाँ सब लोग आराम से मिलके खुशियाँ बांटेंगे। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए। अगर आपके डेट आ चुकी है सेकेंड वैक्सीन की, तो जाकर के सेकेंड वैक्सीन भी लगाइए। अब तो ऑप्शंस भी बहुत हैं, आपको जो पसंद है, जो कलर का पसंद है वो लगाइए। सो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और सबको, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। थैंक्स।